आज का ट्रिप है हमारा 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। हम जा रहे हैं पंचगनी और थोड़े से हम लेट हैं। ऑलमोस्ट टाइम पर यहाँ क्या है, जाके चेक इन ही तो करना है, एक घंटा चलता है। क्योंकि तो हमारा लास्ट काम और इकलौता काम था केक कलेक्शन। केक आ गया हमारा एनिवर्सरी का। हमने बहुत सिंपल होममेड केक ऑर्डर किया है। क्या देखना है बेबू आपको? केक, चॉकलेट जैगरी केक। आप सीधा रुकेंगे पंचगनी में, बीच में कोई छोटा मोटा ब्रेक लिया, कॉफी ब्रेक तो लिया। सेला, मैं सब कुछ चलाता हूँ। घर से निकल के पूरे 5 मिनट हो गए, ऑलरेडी खाना पीना सब चालू। पता नहीं घर से निकलते ही जब रास्ते में हम होते तो बहुत ज्यादा भूख लगती है पब्लिक को। इनका भी देखो डिमांड, देखो बैठ के खाना, और ड्राइवर का कोई पूछ ही नहीं रहा है, ड्राइवर चलाया जा रहा है। ये बात अलग है कि गाड़ी बहुत अच्छी और मजा आ रहा है। खैर यहाँ तो ट्रैफिक है, हाईवे पे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। 50 किलोमीटर 1 आवर 22 मिनट्स अब तक रास्ता बहुत अच्छा था। कहीं कहीं बहुत ही कम जगह पे खड्डे खुड्डे मिले, तो इतना तो चलता है। हमने ड्राइव को एंजॉय किया। आई थिंक मेरे घर से पंचगनी महाबलेश्वर की साइड भी आप जा सकते हो। रोड पूरा का पूरा अच्छा है, पूरा रास्ता एज एक्सपेक्टेड बहुत ही कम्फर्टेबल सोया है। और यहाँ पे हमारा जो सिंगल ब्रेक का प्लान था वो हम कर रहे हैं। सो फार सो गुड, जैसा कि बोलते हैं हमारे मुंबईकर निखिल भाई। बेबू ने कान में सीक्रेट बता दिया है, उसको कुछ चाहिए आइसक्रीम। इफ यू फिनिश योर फूड देन यू विल गेट, एंड इफ यू ड्रिंक वाटर देन। बॉय व्हाट्स योर स्टाइल, व्हाट यू ड्रिंकिंग, व्हाट्स योर वाइब, आई हैव बीन फीलिंग रन अ सैड। कंडीशनिंग एसी चालू किया है, मतलब ये है कि आप पार्चर टाइम इसमें सेट कर सकते हैं, कितने बजे आपको एसी चाहिए, या आप यहाँ रिमोटली बैठे बैठे एसी चालू कर सकते हैं ताकि जब आप गाड़ी में पहुंचे गाड़ी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी हो। ओ यस, बिल्कुल चल रहा है, एसी चल रहा है, गाड़ी ऑलरेडी ठंडी करके रखी है। इससे अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है बताइए। होपफुली नो मोर ब्रेक्स, एंड अब डायरेक्ट हम जाएंगे अपने पंचगनी के होटल में रुकेंगे। और जितना डिस्टेंस बचा है और जितना टाइम दिखा रहे हैं उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के रास्ता इतना अच्छा नहीं होगा। दोनों तरफ माउंटेन, ग्रीनरी और क्लीनिनेस एविडेंट है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। अरे भैया इतनी अच्छी गाड़ी चल रही थी, क्या 17 किलोमीटर 34 मिनट दिखा रहा था, ये पता नहीं क्या जाम लग गया, अब धूप में मुझे ये खोलना पड़ गया। लास्ट सरीन पंचगनी पास दे, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे बैग है, हम पहुंच गए। रास्ते में लास्ट का 20 किलोमीटर बहुत खराब था, खराब मतलब रोड अच्छा था लेकिन बहुत नैरो था, तो जहाँ जहाँ पे शॉप्स है मार्केट है भीड़ थी, धीरे धीरे निकालना, मतलब बाइक में आते तो इधर बेटर जगह है और काफी सारे राइडर्स भी है, मतलब फैमिली के साथ ऑफकोर्स कार में आएंगे, कम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग। अपना अपना सामान ले लो भाई, अपना खात खाली नहीं है। बेबू का सामान उसको डलवा दो ना। हमने पढ़ लिया है कि स्पा, स्विमिंग पूल, जेकुजी क्लोज्ड है, ऑन फायर गेम्स, पूल टेबल, लूडो, कैरम, ये सब चीजें चालू है। चलो चलो रूम के तरफ चलो, बहुत मजा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमको अपने बैग की, कैमरा बैग की जगह सब चाहिए। अभी हम रूम टूर करेंगे। गोप्रो टर्न ऑफ। अच्छा हुआ मैं चप्पल में आया, इतना मजा आता है ना, जूता जूता कौन पहनेगा, कौन निकालेगा। क्या देखूं? हाँ ये सब तो आपके लिए रखा है खाने के लिए। दूसरा स्लीपर दे दीजिए। हट, I got a sleeper. तो कैसा लड़ाकू विमान है। I got both sleeper. शाम के बज गए 5 और हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। बेबू रेडी, पापा रेडी, मम्मा प्लीज कम फास्ट। हाँ यहाँ पे तुम लोग का मैं निकालूंगा स्लोमो। हमारे होटल के बाजू में हमें इमीडिएटली मिल गया है ये वैक्स म्यूजियम एंड मिरर मेज, और यहाँ पे पब्लिक का ऑलरेडी एंजॉयमेंट चालू है।
इस बार साइन ऑफ करके आऊंगा ना, ऐसे बाल करूंगा, नो हेयर कट। अरे समझ में तो आए किधर, ये मिरर है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये मिरर है, ये रास्ता है। ओ फर्स्ट टाइम मिरर मेज, ओके ये मिरर नहीं है तो लाइट ऑन ऑफ में कैमरा फोकस ही नहीं कर पा रहा ना। ओ चलो बेबू डर जाएगा, बेबू को हम सेव कर लेंगे, डोंट वरी। तो बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, बेबू और मैं बहुत हंस रहे थे। अब बेबू बीच में एक बार डर गया था, टिटू मजा आया। हमारे रिसोर्ट के बाजू में, रिसोर्ट बोलना तो गलत है अभी क्योंकि बेसिकली होटल है, रिसोर्ट वाला कुछ तो चालू है नहीं, सब बंद है। तो जो लोग भी वेकेशन प्लान कर रहे हो भाई लोग, रिसोर्ट समझ के बताओ, होटल समझ के आओ, मैक्सिमम खाली सो सकते हो आप। अवर एनिवर्सरी स्पेशल ड्रिंक लेमन वाटर, सोडा लेमन। चीयर्स। केक इज वेटिंग एट द रूम, तो चलते फटाफट रूम पे। ऑफ कोर्स आई एम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेबू हैज चेंज्ड, मम्मा हैज चेंज्ड, पापा हैज स्टिल सेम। पापा का तो एनिवर्सरी के दिन बैड हेयर डे चल रहा है, दो रीजन है, एक तो हेयर कट नहीं लिया बहुत दिन से, दूसरा हेयर वॉश भी नहीं किया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि पूरा सामान लेकर आए हैं, फ्रॉम शैम्पू टू कंडीशनर। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। प्लीज मम्मा, जैसे मैं कर लूं वैसे कर। जब तक बेबू वहाँ जंप कर रहा है, मेरा गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया अगेन। तब तक मेरा सवाल तुझसे ये है कि 8 साल सुनील के साथ और लास्ट के 2 साल शिप सेलर सुनील के साथ शादी करके मैं सोचा मैंने लास्ट 2 साल करके तेरे को कैसा लग रहा है? ज्यादा अच्छा लगता है, जितने पुराने कपल हो जाते हैं ज्यादा बॉन्डिंग हो जाता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा दोस्ती होगी। वाह वाह वाह, लग ही नहीं रहा 10 साल हो गए। फिर मुझे भी नहीं, मेरे को लग रहा है कल शादी हुई देखो कहीं था, पैसे नहीं लगते ये सब चीजों के। रंजना सिंह के 10th एनिवर्सरी के चक्कर में यहाँ पे लगाया जा रहा है बॉन फायर। तुम कर रहे हो? सच है ना, मैं ही कर रहा हूँ ना। अरे हमारे 10th एनिवर्सरी के लिए आप बेबू क्या सॉन्ग गा रहे हो? इट इज समर अराउंड इन अ ब्यूटीफुल स्काई अराउंड अ ब्यूटीफुल फ्रेज अ फायर अ फायर रूम अराउंड द स्काई F because a bing bong bong bing boom. She made wow. the song. Happy anniversary, darling. 10 years. Happy anniversary, darling. 10th year. 10 year. Happy anniversary, darling. 10 years. क्या? 10 साल हो गए? हाँ. कॉमेडी बना रहा हूँ मैं, मेरा चैनल कॉमेडी का है क्या भाई लोग? कॉमेडी का है, किसी ने बोला कॉमेडी करना है? अबे 10 साल हो गए। अबे इतना दूर तेरे को इतना खर्चा करके, गाड़ी चला के, पंचगनी लेके आए 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्राइवेट में, वो भी मैं खुश हूँ। हाँ खुश है, ठीक है। मम्मा और पापा के शादी में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं मम्मा के पेटू में थी। आप मम्मा के पेटू में क्या कर रहे थे? क्या खाती हूँ? मम्मा खा रही थी तो मैं खा रही थी, जो भी मम्मा खा रही थी वो मैं खा जाती। रंजना सिंह को लगता है कि हम सरप्राइज सरप्राइज नहीं देते, मगर सरप्राइज गिफ्ट है मेरे पास, बेबू के लिए भी है और रंजना के लिए भी है, गाड़ी में रखा है, निकालते हैं। वन गिफ्ट, टू गिफ्ट, इतने भी बुरे नहीं है भाई, अभी भी 10 साल के बाद भी बीवी को सरप्राइज दे सकते हैं। सरप्राइज, सरप्राइज की देखा, सरप्राइज दिया तेरे को मैंने, इसको भी, दोनों को सरप्राइज दिया। हेलो हेलो हेलो, आप ये आपका कौन सा है? पहले गेस मारो बेबू, सही गेस मारो, ये बड़ा वाला आपका है कि छोटा वाला आपका है? ये बेबू का है। और ये भी बेबू का है। क्या उल्लू जैसे गेस मार रही है, कुछ भी बोलना है। बेबू ने तो फट फाड़ दिया, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, इतना अच्छा गिफ्ट 10th एनिवर्सरी का कौन दे सकता है, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, सजाने के लिए याद रहेगा, इससे अच्छा और क्या देगा बताओ। सॉरी यार, स्कूल में मिलते थे, बॉयफ्रेंड मिलते। हाँ तो मैं बॉयफ्रेंड से कम हूँ क्या? बॉयफ्रेंड से कम हूँ क्या? मेंटेन हूँ अभी, देख तेरे लिए कितना बाल बनाए मैंने, हेयर वॉश किया, क्या क्या किया यार, सेट किया सब। थैंक यू। Here we are, 10 साल से साथ में,
और बहुत ही खुश। लोग क्या बोलते हैं ना कि अरे शादी के बाद 10 साल ऐसे वेंट इन अ फ्लैश, पता ही नहीं चला, इतना फास्ट चला गया। बट भाई अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल की तरह गए। एक एक दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। शिप में जो सेलिंग का टाइम था वो तो बेस्ट था, मास्टर में थोड़ा कम सेल हो पाई है और कोरोना ने मेरी वाट लगा दी। अगले 2 कॉन्ट्रैक्ट मेरा पूरा प्लान था फैमिली के साथ सेलिंग करने का, मगर अभी केक खाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, यम्मी केक फॉर अस। इफ यू गिव इट टू समबडी व्हाट इज दिस केक? चीयर्स फॉर द ऑरेंज जूस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। क्विक अपडेट के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, इंस्टाग्राम आईडी भी सेम है @shipsailorsunit, इसका है @ranjana43। ए बेबू फ्रेम में आएगा क्या? फ्रेम को उधर जाना पड़ेगा, फ्रेम को उधर जाना पड़ेगा। और ये बेबू हैं, इनका भी इंस्टाग्राम है @ncaresingh। ए हेलो, वी आर हैविंग सेलिब्रेट बेबू, शादी में भी नहीं आया आप, हमारी शादी में भी नहीं आया और एनिवर्सरी में भी सेलिब्रेट नहीं करो, अपने टॉय देख रहे क्या है ये? सो बेबू तो लगता है टाइम लगाएगा। चीयर्स एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, फटाफट पैक करो, निकलो। चलो यार 10:40 रेडी, बैग वैग सब रेडी, चलो यार। लुक्स लाइक आज मॉर्निंग में हम सीधा घर जाने वाले हैं। रंजना सिंह क्या लाई हो भाई? बेरी, एक टेस्ट कराओ, ओरिजिनल पंचगनी महाबलेश्वर बेरी। यार मिठू है। ठीक है चले फिर, और कोई काम? चलो मॉर्निंग की पहली एक्टिविटी मिल गई हमको, पारसी पॉइंट बोल रहे, बहुत अच्छा पॉइंट है देखने वाला, देखते क्या अच्छा है भाई इसमें। हाँ देख के तो अच्छी लग रही है, होपफुली यहाँ से माउंटेन के एकदम ऊपर है तो यहाँ पे व्यू हमारा बहुत ही अच्छा होगा। यू कैन सी दैट साइड, कैन यू सी? दिस इज अ वेरी हाई पॉइंट, वी कैन सी डाउन ओवर द माउंटेन। लेट्स सी हाउ गुड दिस व्यू इज। ऐसे कैसे गिर जाऊंगा, इधर रेलिंग है ना, इतना अच्छा सेफ्टी के लिए बना है ना। ओह दिस इज अ ब्रिज, इट शेक्स। अरे बाबा, अरे बाबा, इतना रोलिंग तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया है अपनी जिंदगी में, जितना रोलिंग ये लोग करवा रहे हैं यहाँ पे। रोलिंग। कैसा ब्रिज है, खाली रोलिंग हो रहा है, पिचिंग नहीं हो रहा है इधर। अगर आप लोगों ने मेरा साइन ऑफ के जस्ट बाद का व्लॉग देखा होगा तो देखा होगा हमने एक बैग भर के सैंडल खरीदे थे, हम सैंडल की दुकान खोलने वाले थे, इतनी सैंडल वापस, अभी सैंडल की शॉपिंग इनकी कभी खत्म नहीं होती। ओके ऑलरेडी 12 AM, लेट्स गो स्ट्रेट होम नाउ, ये तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। अभी बेबू को प्रॉपरली स्ट्रैप कर दो, लॉन्ग जर्नी नाउ। ओहो, ब्यूटीफुल ड्राइव बैक। कल तो आते टाइम ट्रैफिक था, थोड़ा गर्मी थी, मगर आज ठंडी। हम लोग इतना स्पाइसी महाराष्ट्रियन फूड नहीं खा सकते तो इसने अपने लिए ये ऑर्डर किया है, महाराष्ट्रियन थाली है कुछ, और देख के तो बहुत स्पाइसी लग रहा है। और बेबू और मेरा पंजाबी फूड है, बहुत अच्छा। हाँ पति हूँ मैं, मेरा नंबर कितना है? 0 to 10। वैसे सब मैंने प्लान किया था तो मैं ही अच्छी हूँ अभी। ऑल इन ऑल अबाउट 3 घंटे ड्राइव करने के बाद घर आ चुके हैं हम लोग, इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल। अरे यार सब सामान अमान मेरे लिए छोड़ देते गाड़ी में, कैसा चलेगा। सामान तो और भी निकालता हूँ, अमेजोन देखो, एक दिन गायब थे, इतने अमेजोन के डिब्बे स्टैंड बाय हो गए यहाँ पे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शिप सेलर सुनील। बॉन वॉयज, स्टे फिट एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।